दोस्तों, मैं सॉल्यूशंस बैक से बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें हम लोग मास्टर भी क्रिएट किए हैं, लाइसेंस भी दिए हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड भी क्रिएट किए और टैली इंस्टॉल भी किए हैं। अगर आपका ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे का भी वीडियो आपको आराम से मिलता रहे। आज हम लोग डिसाइड मतलब चर्चा करेंगे परचेस साइकिल के ऊपर। कोई भी बिजनेस में आप कुछ परचेस करते तो ही बेचते हैं, तो इस नोटिफिकेशन दिए। अब परचेस साइकिल को हम लोगों ने टाइप्स जो है वो चार तरह का होता है। परचेस ऑर्डर आप बनाए, उसका रिसीप्ट नोट यानी GRN किए, उसका परचेस बिल। सेकेंड टाइप है परचेस ऑर्डर नो GRN, डायरेक्ट परचेस बिल कर देते हैं, उसके बाद कोई झंझट नहीं, सिंपल परचेस बिल। और फोर्थ जो टाइप है वो है सर्विस परचेस, मतलब जहाँ पे आइटम इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो टैली है वो खोलेंगे। पहला जो ऑप्शन है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आईडी पासवर्ड दे देते हैं। अभी यहाँ पे F11 फीचर में जाके यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर में जाना है। तो यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर का एक ऑप्शन होगा, इसको हम लोग यस करेंगे। और अगर रिसीप्ट नोट करना है या डिलीवरी नोट, इसको यस कर देना है। तो ये मैंने यस कर दिया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऑर्डर का वाउचर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर मेरा आ गया। आप मान लीजिए XYZ लिमिटेड है, ऑब्वियसली ही आपका ये द जॉब्स बैग मेरा क्रिएटर है। अब देखिए यहाँ पे वो डिटेल्स आपका आ गया। अब टर्म्स एंड कंडीशन ये सब सेट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। यहाँ पे मैं परचेज GST मैं लेजर में जब क्रिएट किया था आप देखे होंगे, ये लेजर को हम चूज करेंगे। अब आइटम में मान लीजिए मैं उनसे परचेस करता हूँ दो कंप्यूटर, मैं यहाँ पे उनको 20 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दे रहा हूँ और वो भी 21,000 रुपये में, और ये उनका ऑर्डर बन गया। अभी 1/4 को ये ऑर्डर है। अभी क्या करेंगे, मैं तो ऑर्डर दे दिया, अभी हमको वो मटेरियल रिसीव करना है। उसके लिए हम लोग जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर में ये ऑप्शन पे। ये जाने के बाद देखिए यहाँ पे रिसीप्ट नोट का आपको बटन दिखेगा, ये वाला रिसीप्ट नोट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही द जॉब्स बैग को चूज करके ये देखिए यहाँ पे उनका वो ऑर्डर नंबर आ गया है। अगर वो ऑर्डर में एक भी आइटम पेंडिंग रहता है तो ये दिखेगा आपको, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पूरा की पूरा ऑर्डर को उठा के उन्होंने फेंक दिया। अब ये ट्रैकिंग नंबर इसलिए दिया था क्योंकि ये जो रिसीप्ट नोट या GRN बन रहा है उसका ये नंबर ही हम लोग ट्रैकिंग करेंगे हम लोगों का परचेस बिल में। तो 20 का तो ऑर्डर दिया था बट बंदे ने मेरे को 9 भेजा, तो मैं 9 कर देता हूँ। तो उस हिसाब से ये मेरा रिसीप्ट नोट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल इसको नो कर देंगे, ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। रिसीप्ट नोट मेरा बन गया। अब मैं जाऊँगा परचेज बिल में, अकाउंटिंग वाउचर्स परचेज। अब सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया है वो इनवॉइस मान लीजिए ये 3 तारीख का बिल है, 3 तारीख को मैं एंट्री कर रहा हूँ, 3 तारीख को जाके उनका एंट्री हो रहा है। और सप्लायर ने जो इनवॉइस दिया है उनका जो नंबर है वो डालना पड़ेगा, उसके बाद उनका इनवॉइस डेट डालना पड़ेगा, हो गया। आप जॉब बैग को चूज करते देखिए, ये देखिए ये वो ट्रैकिंग नंबर का नंबर है, ये डालते देखिएगा ये ऑटोमेटिक उनका ऑर्डर नंबर वगैरह डिटेल सारा ऑटोमेटिक आ गया। और वो 9 पीस जो आप रिसीव किए हैं उसका ही सिर्फ आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये आने के बाद ये तो पूरा हम लोग सिर्फ क्लिक करेंगे, पहला लाइन दूसरा लाइन आइटम का बन जाके थर्ड लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो GST होता है CGST इनपुट CGST ऑब्वियसली इनपुट होगा परचेस के लिए चूज करेंगे। उसके बाद इनपुट SGST ये चूज करेंगे, करके इसको अगर कुछ नेशन वगैरह है तो सेव कर देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि मैंने परचेज ऑर्डर किया, देन उसका रिसिप्ट नोट या जीआरएन बनाया, उसके बाद परचेज बिल किया। अब दूसरा ऑप्शन में मैं आता हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं ऑर्डर करूँगा लेकिन जीआरएन करूँगा नहीं। तो उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से एक ऑर्डर बना देता हूँ, दूसरे एक पार्टी खोल लेता हूँ या जॉब्स बैग में आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या किया, चलिए लैपटॉप ले लेते हो। लैपटॉप में 10 पीस उनको हर एक 25,000 रुपये करके दे देता हूँ यहाँ पे। अब इसका मैं जीआरएन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैं अपना परचेज बिल कर लूँगा। तो कैसे करूँगा, सेम तरीके से अकाउंटिंग वाउचर्स, परचेज बिल, सप्लाई इनवॉइस नंबर, कुछ भी आपको जो वो लोग दे देते थे, उसके बाद देने के बाद यहाँ पे देखिए रिसीप्ट नोट में मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट मार दूंगा। मारने के बाद यहाँ पे देखिए दो आपको ऑर्डर दिखेगा, ये दो नंबर ऑर्डर जो है वो है। उसके बाद करने के बाद आगे बढ़ जाऊँगा, ये लैपटॉप आ गया। ये ट्रैकिंग नोट में कुछ भी मत लिखिएगा, नहीं तो ये नेगेटिव जीआरएन में चला जाएगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे 10 हैं, आप अगर नॉट हो करना चाहते हैं कोई इशू नहीं। उसके बाद आपका सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी एंड इनपुट आपका एसजीएसटी करने के बाद ये आपका सेव हो जाता है। अब ये हो गया, अब आपको सिर्फ परचेज बिल ही एंट्री करना है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करके ये तो जो आप पार्टी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया हम लोग मास्टर में। यहाँ पे मैं एक चीज, ये बॉटल यहाँ पे मान लीजिए 1,000 पीस। अब एक एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स आपका 10 पीस में आ गया, ठीक है। लेकिन ये 12 पीस का बॉटल है, तो इसको हम लोग एक बॉक्स देने से भी हो जाएगा। देखिए 12 पीस आ गया। अब SGST इसका इनपुट, जी ये एंड ऑफ लिस्ट इनपुट, CGST इनपुट, SGST, हमेशा CGST को पहले लीजिएगा, उसके बाद SGST को लीजिएगा करके मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, अगर मेरे को सर्विस परचेस करना है तो कैसे करें। तो दोस्तों सर्विस के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंटिंग इनवॉइस बोल के, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जैसे आप क्लिक करते देखिए वहाँ से वो परचेस GST का ऑप्शन हट गया। अब मान लीजिए मैं कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, उनसे ही ले रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन है एक्स्ट्रा चार्जेस। आप ये भी मास्टर वीडियो में आप देखे होंगे एक्स्ट्रा चार्जेस के अंदर कि हम लोग कैसे GST फिल किए। 5,000 रुपये, उसके बाद मैं दूंगा इनपुट CGST, क्यों नहीं आ रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये इनडायरेक्ट इनकम में पड़ा हुआ है, तो मेरा ऐसा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपेंस बोल के मैं एक बना लेता हूँ जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिरेगा। उसके बाद एप्लीकेबल, ये यस, वहाँ पे मैं अपना HSN डाल दीजिए। ऑब्वियसली HSN कैसे सर्च करना है गूगल से, कैसे क्या है वो हम लोग का प्रीवियस वीडियो में, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। टैक्सेबल ये मान लीजिए 18% होता है। देखिए ऑटोमेटिक मेरा CGST एंड मेरा SGST आ जाता है। ये देखिए ये मेरा आ गया है, ये आपका आ गया है। तो ये भी एक सर्विस बिल हो गया। अभी आप मेरे को बोलेंगे कि भैया अगर ऐसा परचेज बिल आया जिसके साथ फ्रेट है और वो कैसे किया जा सकता है, तो मैं फिर आइटम इनवॉइस में एक बार जाऊंगा। तो जॉब्स बैक का जो पेंडिंग आइटम है उसके ऊपर मैं एक जॉब्स बैक, इनमें यहाँ पे नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मेरा एक आइटम पड़ा हुआ है जो विदाउट GRN हम लोग लैपटॉप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाके
यहाँ पे फ्रेट नहीं है ना, तो एक काम करता हूँ, फ्रेट वॉट्स ये होगा मेरा, ये आप परचेज अकाउंट्स में ही दे सकते हैं, आइटम को नो रखिए। यहाँ पे होगा नॉट एप्लीकेबल, करने के बाद इसको हम लोग जीएसटी करेंगे एंड बोथ कर देंगे, या गुड्स कर देंगे क्योंकि गुड्स के ऊपर ऑन वैल्यू। ये करने के बाद ये फ्रेट का जो वैल्यूएशंस होगा ये क्यूमुलेटिव में तोड़ के अपना जीएसटी कर देगा, उसका जीएसटी कैलकुलेशन करेगा। अब देखिए इसका मान लीजिए मेरा 2000 पड़ा, अब यहाँ पे मैं करूँगा इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, एंड इनपुट एसजीएसटी, ये हो गया। बस यहाँ पे ये आप सिर्फ सेव करना है, तो इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस केस में क्या हुआ कि हम लोग का जो फ्रेट है उसका जो जीएसटी है वो एज पर आइटम यहाँ पे टैली ने कैलकुलेट किया है। तो ये था आपका पूरा परचेस साइकिल जो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, तो इसको आप लोग किए। उसके बाद हम लोग आएंगे सेल्स सर्कल में, तो वो करने के बाद हम लोग आपका पेमेंट और उसका रिसीप्ट कैसे होता है वो दिखेंगे। फॉर दिस थैंक यू, एंड प्लीज़ हम लोग का चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।